हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूर्य स्कूल, महेंद्रगढ़। बेटा, हमारा आज नया टॉपिक होगा क्लास 10th का हिस्ट्री का लेसन नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हमारे लेसन का नाम है। इसमें हमारे भारत में महात्मा गांधी भारत में आए साउथ अफ्रीका से, तब से लेके और भारत इंडिपेंडेंट हुआ तब तक में महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, उनके नाम, उन उसमें कौन कौन से सोशल ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, ये सारा हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका में, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन इंडिया इन 1950। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में भारत में आए। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेस, वहाँ पे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई करी थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद वो भारत में आ गए थे। भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में भी अंग्रेजों ने बुरी तरह से अपना कब्जा किया हुआ है भारत में, तो उन्होंने वहाँ पर आकर सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। सत्याग्रह का मतलब देखते हैं पहले, फिर उसके बाद मूवमेंट देखेंगे। सत्याग्रह, सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? आइडियो सत्याग्रह मीन्स, आइडियो ऑफ सत्याग्रह मीन्स द पावर ऑफ ट्रूथ। एंड द नीड टू फाइट द need to search for truth। सत्याग्रह का मतलब देखो, the idea of सत्याग्रह means the power of the truth and the need of search for truth। सत्याग्रह का, अब महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले कौन कौन से सत्याग्रह चलाए, किन किन लोगों के लिए सत्याग्रह चलाए, अब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में हमने पता चल गया, वो 1915 में भारत में आए साउथ अफ्रीका से। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह मूवमेंट चलाए, उन्होंने इन 1916, सबसे पहले उन्होंने 1916 में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, वो चलाया था चंपारण में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। इन 1916 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण, चंपारण बिहार में है बेटा, बिहार में है। ये मैप में भी बहुत आता है कि सो द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स, उसमें हमने बिहार में चंपारण को शो करना, मैप में बहुत बार आता है, ये भी ध्यान रख लेना। 1916 में सबसे पहले वो चंपारण बिहार में ट्रेवल कर, यात्रा करने गए, और वहां पे उन्होंने देखा कि जो पीजेंट्स है, जो प्लांटेशन पीजेंट्स है, द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द, इसके खिलाफ थे देखो, सप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। सबसे पहले उन्होंने बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था 1916 में, ये बिल्कुल याद रख लेना, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए चलाया था। इन 1917
उन्होंने फिर सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। अब ये किन के लिए चलाया था? ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑफ गुजरात ये किन के लिए था? ये भी पीजेंस के लिए था। ये क्यों चलाया था? जो पीजेंस थे वो टैक्स देते थे अंग्रेजों को, तो क्या हुआ उस टाइम बहुत ज्यादा जो फसल थी क्रॉस फेल हो गई थी, तो किसानों ने अंग्रेजों को लेटर लिखा कि इस बार हमारे भाई हम आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे, हमारी जो क्रॉप्स है वो फेल खराब हो गई है, हमारे पास फसल खुद के खाने के लिए नहीं, आप लोगों को टैक्स कहाँ से दे, तो हमारा टैक्स को रिमूव कर दो, हटा दो इस बार, या हमारा टैक्स फ्री कर दो। अंग्रेजों ने उनकी इस बात को नहीं माना कि भाई टैक्स तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, इसलिए महात्मा गांधी ने 1917 में ये जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंस थे उनके लिए सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। ये भी बेटा मैप में बहुत बार आता है कि सो द प्लेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी 1917 फॉर द प्लांटेशन, तो हमने गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को शो करना। उसके बाद उन्होंने एक और सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, वो चलाया था 1918 में। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, ऑर्गेनाइज ये सत्याग्रह मूवमेंट। अमंगस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनकी उन मिल वर्कर्स के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। उनके जो काम के घंटे थे, वर्किंग आवर्स थे, वो बड़े लॉन्ग थे, वेजेस थी वो लो थी, इसके खिलाफ उन्होंने महात्मा गांधी ने इनका साथ दिया वर्कर्स का, मिल वर्कर्स का, और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। ये बेटे हमारे तीन टॉपिक आज हमने क्लियर कर लिया कि महात्मा गांधी 1915 में रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, वहाँ पर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ किया था, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया हुआ था। भारत में आए तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश है उन्होंने ऑल ओवर इंडिया पे अपना पूरा कब्जा किया हुआ है, तो उन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले वहाँ पर मूवमेंट चलाया सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है पाथ ऑफ ट्रूथ या सर्च ऑफ ट्रूथ। उसके बाद उन्होंने 1916 में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, वो बिहार में चंपारण प्लांटेशन वर्कर्स के लिए चलाया। 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किसानों के लिए चलाया, वो अगेंस्ट द टैक्स था कि किसानों ने टैक्स के लिए अपील किया भी इस बार हमारी क्रॉस फेल हो गई तो हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, अंग्रेजों ने मना कर दिया, तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, महात्मा गांधी ने उनका इसमें साथ दिया। इन 1918 अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लोग जो वर्किंग आवर्स थे वो बड़े लॉन्ग थे और वेजिस थी ना वो बहुत कम थी, तो इसके खिलाफ भी अंग्रेज महात्मा गांधी ने इनका साथ दिया और सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थ्री टॉपिक्स वेरी वेल। थैंक्स, हैव ए नाइस।